नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के। सपा के पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा बोले, गुंडागर्दी तो भाजपा सरकार में हो रही। सपा कार्यालय पर सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर वाल्मीकि संघ में मीडिया से रूबरू। अखिलेश यादव की सरकार में चलाई गई सामाजिक सुरक्षा की सारी योजनाओं पर सरकार ने की बंद। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा और जुगल किशोर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश सचिव मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो कोई विज्ञापन नहीं। गांव की जनता कह रही है कि अखिलेश यादव पुनः वापस आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भाजपा की सरकार में उप के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर ऊपर डॉट एनकाउंटर कराया, ये बात अलग है। मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस उप्र सरकार को भेजा फर्जी एनकाउंटर का। जब मुख्यमंत्री कहते हैं सारे अपराधी जेल भेज दिए या उनका एनकाउंटर कर दिया, तो आए दिन हत्याएं कैसे हो रही हैं, बेटियों संग बलात्कार कैसे हो रहा है, बैंक में डकैती कैसे हो रही है, छिनती कैसे पद रही है, आए दिन लूट कैसे हो रही है। इसका मतलब कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अराजकता, लूटपाट, गुंडागर्दी तो भाजपा शासन में हो रही है। बीजेपी सरकार के मंत्री का बेटा सरे आम किसान पर गाड़ी चढ़ा दे, ये गुंडागर्दी नहीं है। हम और जुगल किशोर वाल्मीकि जी, जुगल किशोर वाल्मीकि जी वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा निकले हैं। वाल्मीकि समाज में जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं और हमारे मैथिल शर्मा विश्वकर्मा समाज की जो है बैठे और चौपाल विधानसभा स्तर पर हो रही हैं, अपनों के बीच में जा रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया। आज जो वादा किया था, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अपमानित हो रहे हैं लोग। ना तो भाजपा सरकार सुनवाई कर रही है, ना तो सरकार की पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं और जब बलात्कार करने वाला थाने में FIR लिखने वाला और बलात्कारी को संरक्षण करने वाला जब तीनों एक बिरादरी के हो जाएंगे, तो बताओ गरीब को न्याय कहाँ मिलेगा। चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे शर्मा समाज हो, उन्नाव में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसको पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया। पूरे देश ने देखा और जिस बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रोटोकॉल को तोड़ करके विधानसभा के सामने धरने पर बैठे। पार्टी और हम लोग धरने पर बैठे, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद ही आज तक विश्वकर्मा समाज की उस बेटी को न्याय नहीं मिला। सरकार ने जो वादा किया था कि उनको परिवार को नौकरी देने का, मोहिनी विश्वकर्मा की बहन आज भी चक्कर लगा रही है सरकार के दफ्तर के, लेकिन नौकरी आज तक नहीं थी। कुछ करते हैं और काम कुछ नहीं करते। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जो उनका संकल्प पत्र है, यानी घोषणा पत्र है, जो जारी किया था, उसमें जो भी वादे किए थे आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। और झूठ रोज बोल रहे कि नौकरी दे रहे, विकास कर रहे। विकास तो सारा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलाई, चाहे ये जो अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इनको छात्रवृत्ति देने का काम, इनके लड़कों की पढ़ाई के लिए फीस प्रतिपूर्ति देने का काम, गरीब लड़कियों के शादी अनुदान का पैसा, पेंशन का पैसा, आवास का पैसा, ये सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं इसलिए चलाई गई थी
कि दलित और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की मदद हो सके और समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सामाजिक सुरक्षा की सारी योजनाओं को भरपूर पैसा देकर चलाया गया था। बीजेपी की सरकार में उस सारी योजनाओं को बंद कर दिया। अब न गरीब की मदद हो रही, न किसान की मदद हो रही, ना तो नौजवान की मदद हो रही, ना नौकरी मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, केवल विज्ञापनों के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं और रोज नए झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम अपनों को सावधान करने आए, सचेत करने आए कि बीजेपी के झूठ से बचें और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, क्योंकि ये आपकी विरोधी सरकार है और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, ताकि सभी का सम्मान रह सके, नौकरी और रोजगार का प्रबंध हो सके और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लाया जा सके। उत्तर प्रदेश जिसमें था, मैं वापस आ रहा हूँ, योगी जी ने इसका संदर्भ किया है, इसका मतलब है लूटपाट, अपहरण और अराजकता, इस पर आपका क्या कहना है? तो योगी जी को झूठ बोलने के अलावा आता क्या है? ये विज्ञापन नहीं है, गांव की जनता कह रही है कि श्री अखिलेश यादव जी पुनः वापस आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये जनता की आवाज़ है और दिखाई नहीं देता। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? अपराधी या तो जेल में होंगे या तो ऊपर होंगे, और इनकाउंटर कराया। ये बात अलग है कि मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा फर्जी इनकाउंटर का, लेकिन जब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने सारे अपराधियों को जेल में भेज दिया या उनका इनकाउंटर कर दिया, तो फिर आए दिन हत्याएं कैसे हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हो रहा है, बैंक में डकैती कैसे पड़ रही है, अब छिनैती कैसे हो रही है, आए दिन जो है लूटपाट कैसे हो रही है। इसका मतलब कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, अराजकता, लूटपाट और एक गुंडागर्दी तो बीजेपी में हो रही है। बीजेपी सरकार का मंत्री का बेटा सरेआम किसान पर गाड़ी चढ़ा दे, एक गुंडागर्दी नहीं है और क्या गुंडागर्दी है? बीजेपी का विधायक अधिकारी को पीटने लगे, एसपी को झापड़ मारे, तो ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या गुंडागर्दी है? तो गुंडागर्दी तो भाजपा राज में हो रहा है। आज थाने किसके पास हैं? जिले का कलेक्टर और एसपी कौन है आप पता कर लो, थाने का दरोगा कौन है? क्या केवल एक ही बिरादरी के नहीं हैं? जो लोग जातिवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते थे, आप थानों में देख लो कौन लोग बैठे हुए हैं। तो जातिवाद तो बीजेपी कर रही है, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बीजेपी है। सारे लोग अपने लोगों के बीच में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं वाल्मीकि चेतना यात्रा लेकर फिरोजाबाद जनपद आया हूं, और जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, वर्तमान में इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडा राज है। आप स्वयं लोग साक्षी हैं, क्या कभी सुना था किसी राज्य का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अपने मुकदमे वापस कराएगा? तो अपराधी तो ये लोग खुद बने बैठे हैं। जब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं तो प्रदेश में अपराध राज हो गई होगा। तो हम तो सीधे सीधे राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यहाँ प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और प्रदेश का दलित समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित है, शोषित है। समाज के जो सबसे सेवा करता है आज उसी का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। मैं अपने वाल्मीकि समाज के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में 5 साल हो गए हैं इस सरकार को 5 रुपए भी नहीं बढ़ाए कर्मचारियों के। पूरे प्रदेश का कर्मचारी व्यथित है, परेशान है। वहीं अखिलेश यादव जी ने जो हमारे संविदा के कर्मचारी थे जो 4,000 का वेतन पाते थे उनको 14,000 का वेतन दिया, जो ठेके के कर्मचारी 3,000 वेतन पाते थे उनको 7,500 का वेतन दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो छला है हमको लूटा है। हम लोग सचेत करने आए हैं अपने समाज के लोगों को कि पहचानो बीजेपी का असली चेहरा। दो चेहरे हैं चुनाव के समय, दूसरा हमारे लोगों के बीच में आकर बरगलाना कि तुम असली हिंदू हो, आगे बढ़ के मोर्चा संभालो, और चुनाव के बाद
बीजेपी का वही दूसरा चेहरा कि दलित समाज के लोग मंदिर में नहीं घुस सकते, तो बीजेपी का चेहरा हम बताने आए हैं अपने लोगों को और सचेत करने आए हैं कि जैसे उन्होंने छल फरेब किया था, आपके वोट पे डाका डाला था, लूटा था, आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर प्रदेश का वाल्मीकि समाज जिताने का काम करेगा और इस प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव को देने का काम करेगा।